चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 22 टिकट जो है वो बेचे हैं और टिकट का बंटवारा जो है गलत तरीके से हुआ है। 5 साल संघर्ष करने वालों की अनदेखी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि 5 साल संघर्ष करने वालों की अनदेखी हुई और बहुत से जो डिफेक्टर थे, जो लास्ट मिनट पे जिन्होंने डिफेक्टर किया, जो आज भी कांग्रेसी नहीं है, उनकी टिकटें हो गई। और उसके बीच में ये भी बातें आई कि बड़ी गड़बड़ी टिकट वितरण में हुई है, खरीद फरोख्त की भी बात आई। पहले 74 के अंदर बात थी कि इतनी हुई है, अब बढ़ करके वो तो कह रहे हैं 22 है। अब कितनी है ये तो एग्जैक्ट डाटा जब सब साथियों के साथ वो होगा तब पता चलेगा।